Hey guys, in this video we are discussing about one strategy which is based on the Mark CD and the Suvida indicator, and also we can choose the super trend. Okay, so इस strategy में मैं first of all आपको बताना चाहूँगा कि आपको simply Mark CD and जो super trend indicators है उसको use करके अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करके आप अपने जो पोजीशन है वो ले सकते हो, उसके जो शॉर्ट पोजीशंस एंड लॉन्ग ले सकते हो. ओके, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप इसको एज ए बाइंग देखें. ओके, बिकॉज बाइंग में ये ज़्यादा अच्छा है, यहाँ लॉन्ग पोजीशन में ये बहुत अच्छा वर्क करता है. ओके, मैं पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज मैं मेरे पूरा ट्रेडिंग जर्नी में कोई स्ट्रैटेजी यूज़ किया रहेगा तो यही, और एल्स मैं इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करता, बिकॉज ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता इंडिकेटर्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ जो सभी इंडिकेटर मोर ऑफ सभी इंडिकेटर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर होने की वजह से. आप जब भी कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो या इंडिकेटर्स को देख के आप एंट्री कर लेते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा इनसिक्योर भी हो सकता है, बिकॉज इंडिकेटर जब भी आपको इंडिकेटेड करते हैं, लाइक मान के चलिए आप यहाँ पे कोई भी मान के चलिए यहाँ पे ये देखो ये पोजीशन बनता है, तो आप रियल टाइम में अगर आप देखोगे मार्केट में तो इतना यानी कि जब आपको मूव हो चुका होगा उसके बाद इंडिकेटर आपको वो जो मूव है वो शो करता है. बट इंडिकेटर एज अ कन्फर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो. मान के चलिए ये आपका की लेवल है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे आप जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस का या प्रीवियस डे का क्लोज समझिए, तो उसको एज आप की लेवल समझते हो, तो यही पे आपको अगर देखना है तो आप इस मोमेंट में आप इंडिकेटर्स को एज ए कन्फर्मेशन देख सकते हो. बट देखो, कोई भी एक बिगिनर है मार्केट में, बिगिनिंग लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है, तो ऐसे ब्लाइंडली या कोई मान लीजिए लाइक एज ए गैम्बलिंग इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग ट्रेडिंग करने से बेहतर तो है कि आप एक लाइक स्ट्रैटेजी को ऊपर और स्ट्रैटेजी बेस्ड अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो है वो आप कर सकते हो, तो ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा. ओके, सो चलिए हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं. तो उससे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जो है वो सभी जो कैंडल्स है वो एक ही कलर में कन्वर्ट कर लिए. वो कन्वर्ट आप इजीली कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको ऊपर दिख जाएगा कि यहाँ पे आप जाके उसका कलर वगैरह भी चेंज करोगे. आप इस पर भी डबल क्लिक करोगे आप किसी भी कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर्स वीक एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस का यहाँ आपको मिल जाएगा. बॉडी का कलर वगैरह आप चेंज करके एक ही कलर में उसको कर सकते हो. ओके, सो ये करने के पीछे का बहुत बड़ा रीज़न तो यही है कि मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका ठीक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एल्स हम कह सकते हैं कि 80% आपका जो वर्क है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बिल्ड करने पे होना चाहिए. ओके, जो फोकस करो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए. सो जब भी एक रिसर्च है उसमें लाइक मेंशन किया गया है कि आप मोर और लेस तब उसी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हो या उसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो जो ज़्यादा कलरेटिक हो, या मान के चले ये एक सिंपल एग्जांपल बताया था. यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पोजीशन बना लेते हो या इस कैंडल पे आपका की लेवल पकड़ के नेक्स्ट लेवल पे आपको रेड कैंडल दिखता है, तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हो या एंगजाइटी आता है या आपको ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो आपको सिग्नल्स देना चालू करता है कि यहाँ आप अभी ट्रबल में हो, ट्रबल में हो, शायद से आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, और आप एग्जिट भी कर लेते हो यहाँ पे लो पे आके एग्जिट भी कर लेते हो. बट बट ये केसेस में आपको ऐसा नहीं रहेगा, तो आप एक ही कलर का कैंडल यूज़ करो, आपको बहुत आगे जाके बहुत अच्छे से रिजल्ट देखने मिलेंगे. ओके, एटलीस्ट एक दिन आप मेरे कहना पे एक दिन आप उसको यूज़ करके, और एक दिन आप लाइक अब देखो तो सही कि क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं या नहीं होते, सिंपल. ओके, सो चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर. ये स्ट्रैटेजी आपने पहले भी सुनी होगी कहीं पे, बट इट्स ओके, मैं उसको फिर से कवर करना चाहूँगा बिकॉज मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा स्ट्रैटेजी पे. सो स्ट्रैटेजी को आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन पे लेके जाना है. ओके, ट्रिपल कन्फर्मेशन होगा तभी आपको ट्रेड लेना है. ओके, और आपको ट्रिपल या फाइव टाइम्स कन्फर्मेशन होगा तभी आप इसमें ज़्यादा सीकर जाना चाहते हो, तो फाइव टाइम्स कन्फर्मेशन के ऊपर जाइए. ओके, सो देखिए यहाँ पे आपका ट्रिगर्ड होता है ये पर्टिकुलरली,
इस पोजीशन में बहुत अच्छे से ट्रिगर हो रहा था। ओके सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपको ये देखना है कि MSCT इंडिकेटर पे आपको क्रॉसिंग क्रॉस ओवर होना चाहिए। ब्लू लाइन आपको आपका जो ऑरेंज लाइन है उसको क्रॉस ओवर करना चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर लिया है आपने, वो इंडिकेटर के सेक्शन में जाके आप ले सकते हो। सो उसको ट्रेंड कन्वर्ट होकर वो लाइक बाइंग सिग्नल पे, या आप कह सके अप ट्रेंड में आना चाहिए। ओके सो उसके बाद आप VWAP का जो लाइन है, ये देखो VWAP को आपको एज इट जो उसका डिफॉल्ट सेटिंग्स है उस पे ही रखना है। ओके सो वो लाइन आपका भी मैटर करता है। ओके VWAP का लाइन, सो VWAP का लाइन ऊपर होना चाहिए जब आप बाय सिग्नल्स के लिए जाते हो। तो VWAP का लाइन आपका जो करंट प्राइस है उसके ऊपर होना चाहिए, तभी आपको वो VWAP का, आप एक सिंपल याद रखिए चीज़ को कि जो भी करंट प्राइस है वो VWAP के लाइन को लाइक कनेक्ट करने या VWAP के लाइन तक पहुंचने का ट्राई करता है हमेशा हमेशा। मार्केट में वैसा ही होता है। यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे VWAP का लाइन दूर होते गए, यहाँ पे भी आप सेल पोजीशन बनाते तो इधर तक का आपका प्रॉफिट, चलो प्रॉफिट थोड़ा सा भी होता, बट आप उसको ट्रेल करते, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते तो बहुत अच्छा यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता था। ओके ओके तो ये हो गया। ओके सो आप अभी सेल पोजीशन कैसे बनाओगे? सेल पोजीशन के लिए मैं ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बट आप कर सकते हो अगर आपको लगता है। लाइक आप पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये एज अ बाइंग के लिए यूज़ करो या एज अ कॉल के लिए, कॉल लेने के लिए यूज़ करो। ओके सो ओके बैक टेस्ट करके देखते हैं। बैक टेस्ट ओके सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हुआ है, बट आगे जाके दो तीन कैंडल्स का ही आपको प्रॉफिट है। बट यहाँ पे VWAP का लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज हमने कल इस पर VWAP का लाइन लगाया था, तो एक दिन का ही दिखा रहा है। तो VWAP को भी चेक करके बाद में उसमें एंट्री कर सकते थे। सो और बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स आगे आने वाले वीडियोज में है, जैसे कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है प्रॉपर तरीके से। ओके आपको ट्रेंड लाइन को लेके या की लेवल्स को लेके या रेंज को लेके या कैंडल स्टिक को लेके आपको अपनी साइकोलॉजी कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर भी आने वाले वीडियोस में मैं कवर करने वाला हूँ। सो थैंक यू आप एंड तक वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।